में शैलेंद्र, जो खबर पाकिस्तान के हवाले से आ रही, पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से, कि कार्यालय और कर्मचारियों को कम करने के लिए कई मिशनों को बंद करने का आदेश दिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। देखिए, आपको याद दिला दें कि अब से दो दिन पहले जब पाकिस्तान में फाइनेंस बिल पेश किया गया था और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने स्पीच में उस वक्त कहा था कि जल्द ही ऑस्टेरिटी मेजर्स लाए जाएंगे, यानी कि खर्चे को कम करने के लिए कदम उठाएगी सरकार जी, और इसको लेकर एक प्लान जल्द सामने आएगा। अब पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से खबर आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से जल्द ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए जाएंगे, जिसमें तमाम खर्चों को कम करने के लिए कदम उठाया जाएगा। इसमें सबसे अहम बात यह है कि सवाल खड़े होते हैं शहबाज शरीफ की कैबिनेट को लेकर, जिसमें करीब करीब 85 मंत्री हैं, 85 मंत्री, उसको लेकर भी वहां की आवाम कहती रही है कि इनके खर्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो उसका असर जो है महंगाई का उन पर नहीं हो रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ सरकार अब मजबूर है कि वैसे कदम उठाए जिससे वो सरकारी खर्चों को कम करे। इसमें सबसे ऊपर बताया जा रहा है कि जो कैबिनेट है उसमें भले उसका साइज कम नहीं किया जाएगा, लेकिन जो रिकमेंडेशन दी गई है कि जो आधे से ज्यादा जो मंत्री होंगे उनको या तो सैलरी नहीं मिलेगी और साथ ही साथ जो बाकी हैं उनमें उनकी सैलरी में 15% का कट लगाया जाएगा जो वहां पे मंत्री हैं शहबाज शरीफ सरकार में। उसके साथ ही साथ गाड़ियों को लेकर भी जो लग्जरी कार और वो सब तमाम चीजें उनको मिलती है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मिलता है, उसमें भी कमी देखी जा सकती है आने वाले दिनों में, जहां पे बताया जा रहा है कि अब एक ही सिक्योरिटी व्हीकल हर मंत्री को दिया जाएगा वहां पर पाकिस्तान में। और इसी बीच एक अहम बात ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने देखा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका में अपने वॉशिंगटन में जो उनकी एम्बेसी है उसको भी बेचने की उन्होंने पहल शुरू की थी, और माना जा रहा है कि ऐसे में पाकिस्तानी एम्बेसी जो विदेशों में है वहां पर भी उनका जो खर्चा है उसमें उनका जो बजट है उसमें 15% की कमी लाई जा सकती है। और वहीं साथ ही साथ जो नए गाड़ियों खरीदने को लेकर भी इस तरह का एक बैन लाया जाएगा। ये तमाम कवायद हो रही है ताकि सरकार का जो खर्चा होता है उसमें कमी लाई जा सके।